पंच बाबू आदरणीय आज हम लोगों के बीच नहीं, सभी लोगों से कोई नहीं। और ये खबर सुनकर के हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नेता कार्यकर्ता सब लोग शोक में है, मर्माहत है। एक पूर्ण समाजवादी नेता है और हमारे अभिभावक हमको मेरे पिता की कमी उन्होंने खलने नहीं दी। जब भी जरूरत पड़ी वो हमेशा हमें आशीर्वाद देने का काम किया, सही रास्ता दिखाने का काम, हौसला जो है वो बढ़ाने का काम। अनुरोध है कि घाट जाने का एरिया खाली कर दें और लालू सभी लोग उसका अनोखा रिश्ता था, वो किसी से छुपाया। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ वहाँ से हटिए। पता है आज जब हमारे बीच में नहीं तो हम लोग भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार के परिजनों के लिए हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रघुवंश बाबू का क्या योगदान रहा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा से संघर्ष किया, उनकी आवाज़ को बुलंद किया। और जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाया था, तो रघुवंश बाबू ने मनरेगा योजना की थी। दूरदृष्टता आप देख सकते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर भाई हैं, ताकि पलायन ना हो, लोगों को हर हाथ रोजगार मिले, गारंटीड रोजगार मिले, इसके लिए मनरेगा योजना जो है चालू रघुवंश बाबू ने और यूपीए के समय लालू जी जब थे केंद्र में तब किया गया। पटना में जो सड़कों का जाल या बिहार भर में जो सड़कों का जाल जो नज़र आ रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें यूपीए सरकार का, रघुवंश बाबू का, लालू जी का बहुत बड़ा रोल था कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश भर में सबसे ज़्यादा पैसा अगर रघुवंश जी ने लालू जी ने दिया है तो वो बिहार को दिलाया। और ये पटना में जितने रोड जो चमक रहे हैं ये सारा देन जो है ये रघुवंश जी का रहा जब वो ग्रामीण विकास मंत्री रहे। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि 1,44,000 करोड़ का भी पैकेज लालू जी और रघुवंश जी जब केंद्र में थे यूपीए के तो उन्होंने बिहार को दिलाने का काम किया। अच्छा, पिछले 24 घंटे में कुछ राजनीति हुई उसको लेकर तकलीफ, दुख, नाराजगी? जो लोग हताश लोग हैं, जो लोग निराश लोग हैं, उनको राजनीति जो है सूझ रही है। ये वही लोग हैं जो अब तक रघुवंश जी का हालचाल नहीं लेते थे। तो हमको इस पर ज्यादा कोई सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां से रास्ता खाली कर दें। मजबूत नेता रहे हैं और विचारधारा, नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया, इसलिए नकारात्मक चीज़ों पे हमको कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोग शोक में हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा राजद से नाराज क्यों के साथ पटना निकाला तार निकाला सर, ये कौन है? थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे सर, थोड़ा पीछे नहीं देगा।